नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आज ओप्पो अपने नया स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 2 एप मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें होगा हीलियो P70 और इसका प्राइस होने वाला है 15,000 के आसपास। हो सकता है 15,000 से थोड़ा ज़्यादा या फिर थोड़ा कम। अगर 15,000 के आसपास इसका प्राइस रेंज होता है तो इससे कम्पीट करने के लिए स्नैपड्रैगन की तरफ से एक बढ़िया प्रोसेसर है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 712 जो कि रियलमी 5 प्रो में और वीवो Z1 प्रो में। तो अब देखते हैं कि हीलियो P70 और स्नैपड्रैगन 712 में से कौन सा प्रोसेसर बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो चलिए शुरू किया जाए आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो हर रोज देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हीलियो P70 और स्नैपड्रैगन 712 का डिफरेंस करने से पहले ही हम जान लेते हैं कि दोनों प्रोसेसर किस प्रोसेसर आर्किटेक्चर के ऊपर बनाए। आपको तो पता ही होगा प्रोसेसर आर्किटेक्चर एक प्रोसेसर के परफॉर्मेंस का सबसे मेन चीज़ है, मतलब उसी के ऊपर एक प्रोसेसर का परफॉर्मेंस, हीट जनरेशन ये सब निर्भर करता है। स्नैपड्रैगन 712 बना है 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर और हीलियो P70 बना है 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर। वैसे मैं आपको ये प्रोसेसर आर्किटेक्चर के बारे में बता दूँ, ये जो नैनोमीटर नंबर है ये जितना कम होता है एक प्रोसेसर के लिए उतना ही बेहतर होता है। ये नंबर जितना कम होता है उस प्रोसेसर का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा होता है, ज़्यादा हीट नहीं जनरेट होता, इसलिए मोबाइल या फिर दूसरे डिवाइस ज़्यादा गर्म नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा बैटरी सेव करता है। तो अगर प्रोसेसर आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 712 जीत जाता है। तो अगर हम प्रोसेसर कोर्स की बात करें तो स्नैपड्रैगन 712 बना है नया जनरेशन कोर्टेक्स A75 कोर्स के ऊपर और कोर्टेक्स A55 कोर्स के ऊपर। अगर हम हीलियो P70 की बात करें तो वो थोड़ा सा पुराना जनरेशन A75 के बजाय A73 हायर फ्रीक्वेंसी कोर्स और A53 लोअर फ्रीक्वेंसी कोर्स पर बना है। अगर हम स्नैपड्रैगन 712 का ओवरऑल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो है 2.3 GHz और हीलियो P70 का अगर हम ओवरऑल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो है 2.1 GHz। तो प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी में स्नैपड्रैगन 712 जीत जाता है, मतलब जो प्रोसेसर कोर्स है उसमें भी स्नैपड्रैगन 712 जीत जाता है क्योंकि इसमें नया जनरेशन का CPU कोर्स इस्तेमाल हुआ है। अगर हम दोनों प्रोसेसर के GPU की बात करें तो यहाँ पर एक कमाल की चीज़ है, स्नैपड्रैगन 712 ये बना है एड्रीनो 616 के ऊपर जिसका फ्रीक्वेंसी है 550 MHz, लेकिन जो हीलियो P70 है वो बना है माली G72 MP3 चिप के ऊपर जिसका फ्रीक्वेंसी है 900 MHz। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में जो प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी का गैप है वो 400 MHz का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एड्रीनो 616 जीत जाता है क्योंकि जैसे CPU में प्रोसेसर आर्किटेक्चर एक मेन चीज़ होता है वैसे ही GPU में भी सेम चीज़ होता है। एड्रीनो 616 14 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बना है लेकिन जो माली वाला GPU वो 16 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बना है, इसीलिए हो सकता है कि माली GPU का जो फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा आर्किटेक्चर पर बना है, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस एड्रीनो 616 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो GPU मामले में भी स्नैपड्रैगन 712 जीत जाता है। तो एक प्रोसेसर को चेक करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है इनके बेंचमार्क स्कोर को देखें। अगर हम दोनों के AnTuTu बेंचमार्क स्कोर देखें तो हीलियो P70 का स्कोर है 145,000 जो कि रियलमी U1 का स्कोर है और जिसका प्राइस है 11,000 के आसपास। अगर हम स्नैपड्रैगन 712 का AnTuTu स्कोर है तो उसका स्कोर है 180,000 के आसपास जो कि Realme 5 Pro का स्कोर है। तो अब देख सकते हैं कि AnTuTu स्कोर में स्नैपड्रैगन 712 बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत जाता है, लेकिन अगर हम Geekbench की स्कोर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। हीलियो P70 इसका सिंगल कोर स्कोर है 1484 लेकिन स्नैपड्रैगन 712 का सिंगल कोर स्कोर है 1568, मतलब सिंगल कोर में दोनों लगभग सेम है। अगर हम मल्टी कोर की बात करें तो हीलियो P70 का मल्टी कोर स्कोर है 5191 लेकिन अगर स्नैपड्रैगन 712 का मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो वो है 5800 के आसपास। तो देख सकते हैं कि Geekbench के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम रियल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल करें तो दोनों में उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस का डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है कि AnTuTu में बहुत ज़्यादा गैप है लेकिन आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। वैसे इन दोनों प्रोसेसर में और भी दूसरे फीचर्स है जैसे कि LPDDR4X का सपोर्ट, UFS 2.1 का सपोर्ट, UMMC स्टोरेज सपोर्ट, लेकिन एक डिपार्टमेंट जिसमें Realme E1 मतलब हीलियो P70 थोड़ा सा पीछे है कि इसका डाउनलोड स्पीड
इसमें कैट 7 मॉडेम लगा हुआ है जिसका डाउनलोड स्पीड स्नैपड्रैगन 712 से थोड़ा कम है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 712 में कैट 15 मॉडेम जिसका डाउनलोड स्पीड है 800 Mbps और दोनों का अपलोड स्पीड भी लगभग सेम है। तो आप देख सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 712 और हीलियो P70 इन दोनों प्रोसेसर का अगर डिफरेंस किया जाए तो स्नैपड्रैगन 712 नो डाउट जीत जाता है। सीपीयू आर्किटेक्चर, जीपीयू आर्किटेक्चर, सीपीयू स्पीड, जीपीयू क्वालिटी, इंटरनेट स्पीड, इन पांचों मामले में स्नैपड्रैगन 712 जीत जाता है। और हीलियो P70 का कौन सा फीचर सबसे बेहतर है? इसका AI स्कोर, क्योंकि मीडियाटेक हमेशा अपने AI स्कोर पे ध्यान देता है और इसका स्कोर स्नैपड्रैगन 800 के आसपास है। तो आपको समझ में आ गया होगा अगर एक ही प्राइस रेंज में दो ऐसे स्मार्टफोन हो जिसमें स्नैपड्रैगन 712 है और हीलियो P70 है तो आपको कौन सा प्रोसेसर का स्मार्टफोन लेना चाहिए। तुम ही दे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।